ओम श्री साय राम। ओम श्री साय राम। भगवान बाबा के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी एकत्रित भाई बहनों को प्यार भरा साय राम। कल एक परिभाषा हम सबके साथ जो कल उपस्थित थे लाइफ के एक प्रोग्राम में, परिभाषा की साई का मतलब क्या है, जस्टिस विनायगन वाज़ आवर चीफ गेस्ट यस्टरडे, वेरी वेरी टच्ड बाय व्हाट ही सेड। मैं आपसे सबसे को शेयर करना चाहूंगा, साई मींस सी ऑलवेज इनसाइड। गुरु जो आपके जीवन में आता है और आप पर कृपा करता है, वो एक आउटर जर्नी नहीं है, वो जर्नी है आपको मार्गदर्शन करके आपके अंतःकरण तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि जो साइन आप यहां देखते हैं वो साइन हर पल आप अपने हृदय के सोफा सेट के ऊपर देखें। ये काम होता है एक सदगुरु का। आज हमने सब डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर्स, इंस्पिरेशनल टॉक्स सबसे सुना कि वो क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, बहुत बड़े इनोवेटिव कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर कैसे एक कम्युनिटी जो हमें जानती नहीं है उसमें कैसे जाते हैं और उसको कैसे अपना कार्यक्रम कंडक्ट करते हैं, ये सब हमने सीखा। पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस दैट वी आर डूइंग? Purpose of all that we are doing through SSSIC program is not to, well, physically it'll happen, you know, because love is an action. So therefore physically you will see transformation on the ground level, you will see transformation mein apna transformation jo karna hai, theek hai। बच्चों का आज मेरी कुछ बहनों ने बोला कि जो बच्चे हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइजेस की बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन आए। सबसे जरूरी बात हम सबको ये याद रखनी है कि अल्टीमेट गोल ऑफ सत्य साई विजय ज्योति प्रोजेक्ट, अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी सेवा दैट वी डू, एवरी यूथ प्रोग्राम इज टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स। आप सोचेंगे ये मैं कप प्लेट क्यों लेके आया हूँ आज, मैंने सोचा प्रीति बहन वाली बहन प्रीति बोल रही थी कि एनैक्टमेंट, तो मैं भी थोड़ा एनैक्टमेंट करके दिखाने चाहूंगा। सिंस वी आर इन द यूथ सो लेट्स बी यूथफुल। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, और क्योंकि साई का नाम आप सबके साथ जुड़ा हुआ है तो व्हाट शुड वी डू टू यू? ठीक है भैया, कोई आपसे आपके दरवाजे पर प्यासा आता है, सो सम पर्सन हु इज थर्स्टी कम्स टू योर डोर, ठीक है, और वो आपसे कहता है कि भैया मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दीजिए, तो पानी डालते हैं, ठीक है। पानी लेकर आप कहते हैं लो, आपने उस व्यक्ति को जिस जो आपके दरवाजे पर आया पानी मांगने के लिए, उसको ये ग्लास आपने उसके हाथ में थमा दिया, कैसे ये लो। इसका कोई और तरीका भी हो सकता है? अगर मैं इसमें ग्लास रखकर
इनको ये पानी दोनों हाथों से दूं। और अभी साईं भक्त की कहानी खत्म नहीं हुई है। जो साईं भक्त होगा वो क्या करेगा, वो नीचे भी प्लेट लगाएगा और ऊपर भी प्लेट लगाएगा। That is the change in attitude that we want through every service. जो साईं भक्त है जिसमें भगवान साईं खुद विराजमान है वो इस तरह से पानी प्यासे को अपने दरवाजे पर देगा। आप मार्केट में आजकल प्लास्टिक बॉटल का बड़ा फैशन है, ठीक है, वैसे पीना नहीं चाहिए प्लास्टिक की बॉटल, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इट्स नॉट हेल्दी टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल। पानी कोई मांगता है हम कहते ले, ठीक है, यही प्लास्टिक की बॉटल वही पानी, ठीक है, और मैं बड़े प्यार से उसको बोतल लीजिए, ठीक है। ये साईं भक्त क्या करेगा, वो ऊपर का ढक्कन खोल के बोलेगा प्लीज लीजिए। वही पानी है, वही गिलास है, वही सिरेमिक है, कोई फर्क नहीं है तीनों में, तीनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। वही पानी है, वही प्यासा है, वही देने वाला है, पर तीनों को करने का तरीका फर्क है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू अचीव, अ चेंज इन आवर ओन एटीट्यूड व्हेन वी डू सर्विस इन आवर कम्युनिटीज। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर टू सच अ साइन विद द यूटी प्रोजेक्ट। डू यू एग्री? यस। विल यू मोटर वाटर? So see, sign means see always inside. Okay. Imagine if somebody comes and says, ye lo yaar paani le lo. Mujhe kaisa lagta hai? Kaha yaar, I am so thirsty, this fellow is just throwing water at me. Okay. So what I want to say, what I want to sort of share with you is most important as a sign devotee, and this will come very, very handy to you when you are reaching people who are not in the sign domain. आप काम करने जा रहे हैं उन लोगों के साथ जिनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है with the kingdom of sign, with the love of sign, with the devotion that you have towards sign. उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, वो आपको कैसे पहचानेंगे? वो आपको इस तरीके से पहचानेंगे कि आपको कैसा संस्कार दिया है आपके गुरु ने, आपके सदगुरु ने आपको कैसा संस्कार दिया है। अगर आप ऐसे ही पकाने वाले बोतल तो वो भी समझ जाएंगे कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, पर अगर आप बोतल का ढक्कन खोल के प्यार से नीचे हाथ रख के देने वाले हो ये बॉटल, तो वो समझ जाएंगे कि ये संस्कारी आदमी है, ये किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ के आया है, साधना करके आया है।